Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, J 10th class. How are you? I hope that you all will be fine. Today we are going to discuss your last two paragraphs, paragraph number 39 and paragraph number 40. So come on, let's take a start with the paragraph number 39. Then we will discuss overall this question at the end of the lecture. Abi mere bachpan ki dost thi. Abi had been my friend since childhood. Ikatthe khela padha. We played and studied together. फिर मेरी FA के बाद शादी हो गई. After passing the FA examination, I got married. और मैं अपने मियाँ के साथ लंदन चली गई. And I went to London with my husband. आबी ने आगे पढ़ा या उसकी शादी हो गई, मुझे कुछ खबर ना मिली. I didn't know whether आबी studied further or she got married. जब मैं 5 बरस के बाद वतन लौटी तो एक रोज़ बाजार में अचानक आबी की बड़ी बहन से मेरी मुलाकात हो गई. When I returned to my country after 5 years, I came across आबी's elder sister in the bazaar one day. मैंने बेताबी से आबी के मुतालिक पूछा. When I asked about आबी impatiently, तो उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे. Her eyes filled with tears. मेरा घर नज़दीक ही था. My house was quite near. मैं उनको अपने साथ ले आई. I took her with me ताकि वो इत्मीनान से मुझे आबी के बारे में कुछ बता सकें. So that she might tell me something about Abi with peace of mind. Okay जी, now let's move to the next paragraph, which is your last paragraph, paragraph number 40. Your last paragraph is quite interesting because this is the paragraph of just two sentences. First paragraph is from present and the second is from past. सिर्फ दो sentences का paragraph है. सदर ने अदीबों, शायरों, दानिश्वरों, मुफक्किरों और आलिमों पर जोर दिया है कि अपनी अदबी तख्लीकात के जरिए मुल्क को इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाने में हकूमत की मदद करें. Present tense आपका. The president of the state has laid stressed writers, adibon, poets, shairon, intellectuals, danishwaron, thinkers, mufakkiron, and scholars or alimon par that they should help the government in making the country Islamic and welfare state through their literary works. Sadr guzishta roz ek kitab ki tarfi takreeb mein शायरों और अदीबों के बहुत बड़े इज्तमा से खिताब कर रहे थे. पास्ट टेंस, सेकंड सेंटेंस. द प्रेसिडेंट वाज एड्रेसिंग अ बिग गैदरिंग ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ अ बुक यस्टरडे. ठीक है जी, तो आपके पैराग्राफ्स कंप्लीट हो गए, 40 के 40 पैराग्राफ्स. मैंने कोशिश की कि आपको सब पैराग्राफ्स टेंसेज वाइज करवाऊँ ताकि रिवाइज भी होते जाएँ आपके टेंसेज और आपको उन पैराग्राफ्स को समझना भी आसान हो जाए कि कौन सा पैराग्राफ किस टेंस में से है और उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं. आपने देखा कि प्रेजेंट और पास्ट में ही सारा काम हुआ हुआ है. प्रेजेंट और पास्ट में भी मोस्टली 80% पास्ट इनडेफिनेट और प्रेजेंट इनडेफिनेट. इट मीन्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू मस्ट हैव अ गुड ग्रिप ऑन दीज टू टेंसेज. मेनली बेसिकली आपके दोनों इनडेफिनेट पास्ट और प्रेजेंट ज़्यादा अच्छे होने चाहिए. बाकी फर्दर भी डेफिनेटली आने चाहिए क्योंकि तमाम टेंसेस में मिक्सिंग ऑफ टेंसेस तो है ही, लेकिन बेसिकली को जो पैराग्राफ्स आए हुए हैं वो ज़्यादातर पास्ट इनडेफिनेट और प्रेजेंट इनडेफिनेट में है. तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, मेक गुड ग्रिप. इन तमाम पैराग्राफ्स को बार बार ट्रांसलेट कीजिए, अपनी वोकैबुलरी को इसमें अप्लाई कीजिए. यू कैन चेंज द वोकैबुलरी जो मैंने आपके साथ शेयर की, आप उससे हट के वोकैबुलरी को बना सकते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखना है आपने, ग्रामर के बारे में कॉन्शियस रहना है आपने, टेंसेस के बारे में केयरफुल रहना है आपने, पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल दुरुस्त करना है, एक्टिव पैसिव के बारे में भी आपने केयरफुल रहना है. बड़े अच्छे से आपने 9th क्लास में एक्टिव पैसिव किए हुए हैं. अगर आपको दोबारा से रिवाइज करने हैं तो यहाँ पर इसी हमारे चैनल पर आपको 9th क्लास के लिए एक्टिव पैसिव के लेक्चर्स मिल जाएंगे. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से अलग अलग वो करवाए गए हैं, उसको दोबारा से एक बार खोल के देख लीजिए. ट्रांसलेशन के लिए भी बड़े अच्छे से 9th क्लास को ट्रांसलेशन के लिए टेंसेज करवाए गए हैं, आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं और वहाँ से अपने टेंसेज को रिवाइज कर सकते हैं.
So take good care of your grammar and your vocabulary and your translation skills. इस पर काम कीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा फायदामंद साबित होगा और आगे भी फर्दर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सो ऑन आगे आपको ये स्किल बहुत काम आएगी. सो ट्रांसलेशन खुद से करना सीखें, अपने टेंसेस को स्ट्रांग बनाइए. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद एन अदर टॉपिक. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.